क्लास अटेंड करने वाले हमारे जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने 90% क्लास अटेंड की है वो है उदयवीर सिंह क्लास 4। और ये बच्चा जिसने कि 90% अपनी क्लास अटेंड की है, मैं दूसरे बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि बेटा आपको भी नीट की क्लासेस देखना चाहिए और आपको भी जिस तरह से उदयवीर को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उस तरह से मार्क्स थोड़ा सा नीचे कर लो, सर्टिफिकेट मिलेगा। मार्क्स नीचे कर लो बेटा, नीचे कर लो, चेहरा दिखा दो थोड़ा सा। ये दिक्कत क्या बेटा, देखिए सर्टिफिकेट लेकर के आ भी गए हैं, आज बहुत खुश हैं और छत पे खड़े हुए हैं। अभी नहाना है बाहर और जाने और आने के बारे में मैं आपको बता नहीं पाई, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। आज देखिए पार्टी होगी आज तो बच्चों का, आप समझेंगे। और मैंने ज़्यादा मोबाइल को उधर निकाला भी नहीं क्योंकि कोरोना के टाइम में जितना हम किसी भी चीज़ को बचा के रखेंगे उससे उतना ही ठीक है, इसलिए हमने ज़्यादा चीज़ों को यूज़ नहीं किया। और मैं अपने बेटे को लेके गई थी, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क था, फिर भी स्कूल अच्छा था, उधर सैनिटाइजेशन हुआ था और मैडम वगैरह का टेस्ट भी हुआ था, इसलिए मैं लेके गई अपने बेटे को, वरना कोरोना में कहीं ले जाना नहीं था। तो वैसे भी हम लोग मास्क वगैरह लगा के गए थे और सैनिटाइज़र वगैरह लेके गए थे तुरंत ही, इसलिए मैंने ज़्यादा देर रुके भी नहीं हम लोग वहाँ पे। और मैं आपको उसका स्कूल भी नहीं बता पाई, लेकिन अगली बार जब भी जाऊँगी तो आप लोगों को उसका स्कूल बताऊँगी कि कैसा स्कूल है, उसका क्या क्या है वहाँ पर। बट इस बार नहीं बता पाई क्योंकि मैं बच्ची को लेकर गई थी और ज़्यादा देर रुकना भी वहाँ पर ठीक नहीं था, इसलिए फिर मैं आपको दिखा नहीं पाई। लेकिन आप इंतज़ार कीजिएगा, अगली बार ज़रूर दिखाऊँगी। वहाँ से आए हम लोग, इतनी बड़ी घटना हो गई कि आए इसके बाद में खाना वाना खाया, फिर ये खेलने के लिए छत पे जा रहा था तो इसको मधुमक्खी ने काट लिया उंगली में, तो बहुत ज़्यादा खुश था ये। और खुशी खुशी में देखो क्या हुआ, उसको मधुमक्खी ने काट लिया उंगली में और फिर तो देखो बवाल आ गया हमारे घर में, जैसे कि सबको दिखाया, दादा दादी सबको कि मेरे को मधुमक्खी ने काट लिया देखो। फिर हम लोगों ने घरेलू जो उपचार करते हैं मधुमक्खी या ततैया खाने के बाद में फिर वो किया, और तो फिर तब से उसको शांति है। फिर शाम के टाइम में फिर तो बहुत ही तंग कर रहा था, मम्मा देखो लाल हो गया है, सूज गई है उंगली, खुजली हो रही है, ये हो रहा है, दवाई लगा दो, तो ये और वो, पता नहीं कितना ही परेशान उसने हम लोगों को किया। तो क्या मैं बोलूँ, बहुत तंग कर दिया पूरे घर वालों को। और ये देखिए आ भी गए हैं वो, और ये देखिए उंगली उनकी कितनी सूजी है, पूरा लाल हो रखी है उंगली, पूरा कट कर लिया, दवाई वगैरह भी लगा दी हमने। और कुछ कुछ ऐसे होती है ना, कुछ कुछ चीज़ें जो कट करने के बाद में फिर बहुत देर तक उनका असर रहता है। और फिर सब लोग बोल रहे थे कि 24 घंटे तो इसका असर रहेगा ही, और फिर सर्टिफिकेट लेके ऐसे आए कि फिर बस दुखी हो गया बेचारे को, नज़र लग गई किसी की। आप सब देखिए मेरा सर्टिफिकेट है, ये मुझे मिला है, इसको सर्टिफिकेट मिला है जो लीड स्कूल इसकी चल रही है ना, अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं कोरोना के टाइम में इनके स्कूल की, तो उसमें इसका 95% अटेंडेंस है, मतलब इसने 95% जो है अपनी क्लासेस अटेंड की हैं, तो उसी का सर्टिफिकेट इनको मिला है। तो आज ये बहुत खुश थे, लेकिन शायद भगवान को इसी इनकी खुशी जो है मंजूर नहीं थी, इसलिए इनको मधुमक्खी ने कट कर लिया। और तब से इनको बहुत परेशानी है और बहुत ज़्यादा परेशान भी है, डॉक्टर के पास भी दिखा के लिए आए हम लोग, तो डॉक्टर ने बोला दवाई लगाओ ठीक हो जाएगा, नॉर्मली है वो तो, वैसे भी किसी को कट कर लेती है तो कहाँ डॉक्टर के पास कोई जाता है, बट फिर भी सब लोग बोले कि इसको दिखा के आओ डॉक्टर के पास क्योंकि इसका कट ये काट लिया है ना, तो कोई कोई कीड़ा बहुत जहरीला होता है तो इसलिए दिखा के भी आ गए हैं। तो फिर अब शाम के बज रहे हैं 7 और हम दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तो मैंने बोला आपको बताते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि बस इतनी क्लिपिंग डाल के आप छूट गए, आपने बताया नहीं आगे। तो मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ता है और अपने सारे होमवर्क वगैरह सब कुछ अपने से कर लेता है, लेकिन आज वो बहुत खुश था, टॉफ़ी वगैरह लेके आए थे, जो भी लेके आए थे खाने के लिए, कुछ केक वगैरह तो लेके आए नहीं क्योंकि कोरोना के टाइम में बाहर का खाना ठीक नहीं है, मैंने टॉफ़ी वगैरह ही इसको दिलाया था तो वो भी नहीं खा पाया पूरा, जैसे कट कर लिया उसने, काट लिया तो फिर बस फिर क्या रोना ही रोना उसका, पूरा टाइम ऐसे निकल गया। तो ठीक है, अगली बार जब भी मिलेगा तो खूब सेलिब्रेट करेंगे, कभी कभी गिफ्ट मिलता है तो ऐसा ही होता है, तो इसीलिए बच्चों को जरा सा भी कुछ हो जाता है ना तो हमें भी अपने अंदर से घबराहट होने लगती है कि पता नहीं किस चीज़ ने काट लिया, तो देखा भी नहीं था वो काट के उड़ गई, तभी ये बोल रहा है कि मम्मा किसी ने काट कर लिया, मेरे को हाथ में देखिए किसी ने कट कर लिया, तो तब से ही बहुत तंग करके रखा है इसने, पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया, ये दवाई लगाओ वो दवाई लगाओ, मैं डॉक्टर के पास ले जाओ, फिर वहाँ से आई मैं, फिर
तब जाके अभी तो आज तो हम लोगों ने ढंग से खाना भी नहीं खाया है, पूरा दोपहर ऐसे ही निकल गया परेशानी में। तो आज मेरे बेटे का सर्टिफिकेट आया था और हम लोग इंजॉय नहीं कर पाए, दुख तो है उस चीज़ का, बट फिर भी क्या करें, ठीक है जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बाय बाय। जैसे उसको कट किया ना, उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बहुत तेज दर्द हुआ होगा, पहले तो उसको लगा होगा कि क्या, बहुत खुश था ये, सबको दिखा रहा था, जैसे हम स्कूल से आए सबको दिखाते हुए आया, मेरा सर्टिफिकेट देखिए ये वो, लेकिन जैसे ही मधुमक्खी ने कट किया तो फिर बस इसका एंजॉय ख़राब ही हो गया, फिर बिल्कुल डल हो गया और फिर सो भी गया। तो मुझे भी लगा कि डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, सब लोग तो मना कर रहे थे, बट फिर मैंने बोला कि नहीं मैं तो लेके जाऊँगी, इसको दिखा के लाऊँगी एक बार डॉक्टर के पास क्या बोलता है वो। तो फिर डर भी लगता है ना छोटे बच्चों को, कोई ज़्यादा जहरीला कीड़ा हो, उसने देखा नहीं वो मधुमक्खी है, ये तो हम लोग सोच ही रहे हैं कि मधुमक्खी है होगी, क्योंकि गर्मियों में अंदर आ जाती हैं कभी कभी, वैसे तो जाली वाले गेट लगे हुए हैं लेकिन फिर भी आ ही जाती हैं, कीड़े मकोड़ी है क्या करें, इस टाइम में वैसे ही बारिश के टाइम पर बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह आते हैं। तो बस इसी तरीके से निकल गया हमारा पूरा दोपहर, और कुछ इंजॉय भी नहीं किया, उसके लिए कुछ लाई भी नहीं मैं बाज़ार से, कुछ लाई नहीं क्योंकि बाज़ार का सामान अभी जाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, कुछ सब्ज़ी वगैरह ही लेके आते हैं, उसमें हमें डाउट लगता है कि क्या कैसे जिसको सैनिटाइज़ करेंगे क्या करेंगे, हर चीज़ में डर ही लगा रहता है, इसलिए बाहर का खाना ज़्यादा हो नहीं रहा है, कुछ लाते भी नहीं हैं हम लोग ना बाहर ज़्यादा जाते हैं, और जब भी जाते हैं बच्चों को तो बिल्कुल भी, मैं 6 महीने से कहीं भी नहीं लेके गई थी, बस स्कूल में जाना पड़ा, मैंने बोला कि जाना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे अच्छे तरीके से मोटिवेट होंगे अगर जाएंगे, जैसे कि हम लोग अगर उसको लेके जाएंगे तो उसको भी लगेगा कि मैं घर पे बैठ के पढ़ रहा हूँ तो मुझे और पढ़ना चाहिए या और तैयारी करना चाहिए, तो उससे बच्चे का अच्छे से वो होता है ना, उसका दिमाग अच्छा सोचता है, अच्छे समझता है वो सब कुछ, कि मैंने पढ़ाई किया था तभी मेरे को सर्टिफिकेट मिला, इसलिए फिर मैं उसको लेके चली गई, क्योंकि बच्चे के लिए भी ज़रूरी है कहीं कहीं ऐसी जगह जाना जहाँ उसको अच्छा लगे, उसको लगे कि हाँ मैं और कुछ करूँगा तो ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा, तो इसलिए मैं चली गई। मैंने कि इतने सारे बच्चों में इसकी 4th क्लास में यही अकेला जाएगा तो फिर इसको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर वैसे ही गया तो वो तो अच्छा लगा, उसकी प्रिंसिपल मैम वैसे ही बहुत अच्छी हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को दिया और बात की, और फिर हम ज़्यादा देर रुके नहीं, उन्होंने भी ज़्यादा देर रोका नहीं, जो जो लोग आते जा रहे थे या जो जो लोग बैठे थे जैसे ही लेते जा रहे थे, तो नाश्ता पानी वगैरह तो कुछ था नहीं वहाँ पर, टी पार्टी वगैरह कुछ नहीं थी, क्योंकि कोरोना के टाइम में तो फिर क्या ही है, हाथ लगाने से ही आदमी डर रहा है, तो फिर टी पार्टी तो बहुत दूर की बात है, तो इसलिए जल्दी जाके आना ही हो गया, और मैं बीच के आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मैंने अपना मोबाइल वगैरह कुछ नहीं निकाला वहाँ पे, बस हम लोग गए मास्क और ग्लव्स पहन के और आ गए वापस, तो वहाँ पे जाके देखा तो मैडम ने अच्छी व्यवस्था की थी और सैनिटाइज़र वगैरह सारा कुछ सब कुछ सैनिटाइजेशन किया था, तभी मैं लेके गई, पहले मैंने पता कर लिया था कि सब कुछ ठीक है, ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं आएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, अच्छे तरीके से जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करते हुए आराम से दूर दूर रहते हुए ही सब कुछ काम कर दिया, अच्छा लगा वहाँ पे जाके। और इसका स्कूल बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल मैम भी बहुत अच्छी हैं और अदर जो टीचर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और अभी जो ग्रुप पे चल रही है इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, हर सब्जेक्ट का वीडियो वगैरह डाल के बना के अच्छे से ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ वो लोग भेजते हैं, और हम लोगों ने अपने बच्चे को कोर्स दिला दिया है तो वो घर पे बैठ के जैसे वो क्वेश्चन के आंसर से वो लिख के दे देते हैं और क्वेश्चन आंसर बच्चा घर पे कर लेता है जैसे कि स्कूल में देते हैं वैसे। और लीड स्कूल जो है उसका तो बहुत ही अच्छा चल रहा है क्योंकि उसकी वीडियोस हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में आ रही है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में है तो फिर भी कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ज़रूरी नहीं है कि हर सबके घर में सबको इंग्लिश आती हो, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है तो फिर उनको प्रॉब्लम थोड़ी जा रही थी बच्चों को बताने में कि क्या होमवर्क दे रहे हैं क्या है क्या नहीं है, तो फिर भी कुछ लोग तो निकल ही जाते हैं, ऐसा नहीं है हम लोग इंडिया में रहते हैं तो सभी लोग इंग्लिश ही हैं ऐसा नहीं है, तो इसलिए उन्होंने हिंदी में भी उसको चेंज कर दिया है, बस इंग्लिश वाली वीडियो ही पूरी इंग्लिश में आ रही है, तो वो बहुत अच्छा किया स्कूल वालों ने, और मैं तो उनका धन्यवाद ही करूँगी कि घर पर रह के बच्चा इतने टाइम तक बोर ही होता क्या करता, टीवी देखता गेम्स खेलता, इससे अच्छा है कि कुछ पढ़ पा रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है ना, कि घर में रह के भी वो अपने स्कूल के जो भी है उसकी क्लास उसको कंटिन्यू कर पा रहा है, वरना घर में रहने के बाद में तो फिर बच्चों का क्या हाल है, बस बच्चे ही जानते हैं और हम लोग जानते हैं, तो स्कूल का जो भी कार्यक्रम चल रहा है जो भी है बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे से वो लोग डील कर रहे हैं बच्चों को, और समझ में नहीं आता है तो उसकी क्लास टीचर वगैरह या आप जिस सब्जेक्ट की जो टीचर्स हैं उनके पास कॉल करके आप बात भी कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, मैसेज उनको कर सकते हो, तो इसी तरीके से मेरे बेटे की पढ़ाई तो अच्छी चल रही है। तो मैं अगर आप लोगों के इधर लीड स्कूल या फिर कोई भी स्कूल की प्रोसेस चल रही हो पढ़ाई से रिलेटेड तो वीडियो वगैरह आती हो तो फिर आप ज़रूर उसको करवाएं बच्चे को, ताकि बच्चा जो है कि आगे जा, क्योंकि एक साल घर में बैठा रहेगा कुछ नहीं करेगा गेम्स खेलेगा फिर तो क्या होगा उसका, इससे अच्छा है कि हम लोग उसको भले थोड़ा पढ़ाएं, स्कूल जैसा नहीं पढ़ा पाते हैं तो क्या होगा, फिर भी हम अपना बेस्ट तो दे ही सकते हैं, इसीलिए मैं भी चाहूँगी कि आप लोग भी अगर आपके घर में बच्चे हैं छोटे
तो उनको मोबाइल ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सनल मोबाइल दिलाया जाए। दो या तीन वीडियोस तो आती हैं हर स्कूल की, दो वीडियो, तो उस हिसाब से आप अपने बच्चे की तैयारी करवाएं। जब भी आपको टाइम मिले आप एक घंटा अपने बच्चे को दें, तो उससे क्या होगा कि हमारी एजुकेशन जो है वो ख़राब नहीं होगी। और एजुकेशन अगर हमारी एक साल पीछे चली जाएगी तो फिर देखिए गवर्नमेंट हमारे लिए कितना कर रही है, सब कुछ कर रही है, तो हमें भी हमारी भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती हैं जिनको हमें करना चाहिए। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरा नया वीडियो जो भी है वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर पाऊँ और आप लोग उसको सबसे पहले देख पाएँ। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और जो लोग मुझे कमेंट लाइक करते हैं उनके लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा और मेरी जो है मुझे मोटिवेट कीजिएगा इसी तरीके से, तो ताकि मैं इसी तरीके से आपके साथ बनी रहूं। और मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।